दोस्तों, अगर आपको भी भीड़ से अलग हटके दिखना है तो यह वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। वीडियो देखने से आपको पता चलेगा कि हमारे डेली रूटीन में कहाँ हमसे गलती हो रही है। आज के कई लोग मोटापे का शिकार हो गए हैं और कई युवा परफेक्ट बॉडी न होने पर स्ट्रेस में रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आजकल लोग पैसे कमाने में इतना बिजी हो चुके हैं कि वो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, जिसे वो पैसा तो कमा लेंगे पर लास्ट में सारा पैसा उनके शरीर के ऊपर ही खर्च हो जाएगा। तो ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। अगर सारे लोग अपने शरीर को 1 घंटा देना सीख गए तो उनको कहीं हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दिन के रूटीन की बात करें तो हर एक इंसान को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। अगर हमारे दिन की शुरुआत ही अच्छी होगी तो इसका इफेक्ट आपके पूरे दिन पर जाएगा। सुबह उठने के बाद आप 1 ग्लास नॉर्मल पानी पीजिए। उसके बाद आप एनवायरनमेंट में जाइए, स्प्रिंट लगाइए, रनिंग करें, जिससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। आपका दिमाग और मन दोनों ही शांत रहेंगे, आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होगी और पूरे दिन शरीर में एक अलग ही फुर्ती रहेगी। फिर घर आकर अपनी छत पर योगा आसन, प्राणायाम, ध्यान करें। योगा में आप ताड़ासन, भुजंगासन, कोबरा स्ट्रेच और जितने भी योगा है वो आप रोज करें। दोस्तों, योगा के बहुत जबरदस्त फायदे होते हैं। जो इंसान डेली योगा करता है उसकी एक अलग ही फिजिक देखने को मिलती है। हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों ने भी योगा करने पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि जो इंसान योगा करेगा उसका मन और दिमाग बहुत शांत रहेगा। वो किसी भी मुश्किल समय में घबराएगा नहीं, किसी भी प्रॉब्लम से डरेगा नहीं और कैसी भी सिचुएशन हो उसका सामना करने की हिम्मत मिलेगी और आपका शरीर फ्लेक्सिबल भी बनेगा। इसके बाद आप 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। यह सब फॉलो करने के बाद आपके शरीर में अलग ही फुर्ती आएगी। अगर आपने इतना भी फॉलो कर लिया तो आपको कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है, इससे आप एकदम फिट रहेंगे। और अगर आपको यह सब बोरिंग लगता है तो आप हर सुबह 1 घंटा जिम में जाकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस यह बात ध्यान रखनी है कि हर सुबह 1 घंटा शरीर को देना है। अगर यह रूटीन आपने कंटिन्यूसली 3 महीने तक फॉलो किया तो वादा है मेरा आपसे, आपके शरीर में एक अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। अगर आप मोटे हैं तो फिट हो जाओगे और पतले हो तो अच्छा वेट गेन कर पाओगे। इसके बाद आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना है। जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। खाली 3 महीने आप जंक फूड छोड़कर देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जंक फूड शरीर में कितना नुकसान करता है। आजकल जंक फूड खाना एक ट्रेंड बन चुका है। कई लोग तो बिना जंक फूड रह ही नहीं पाते, पर यह आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी वीक करता है। इसकी जगह आप रोज 2 केले खा लीजिए, दूसरे फ्रूट्स खा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए। अपने रूटीन में शुद्ध खाना, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, दूध, चना, अंडा, कैल्शियम रिच फूड, ये सब ऐड कीजिए। अगर कोई नशा भी करते हो तो जल्द ही छोड़ दीजिए। बहुत से लोगों को यह चीजें अभी पता नहीं चलती है, पर जब वह 30 पार करेंगे और जब शरीर साथ छोड़ने लगेगा तब पछताएंगे। इसीलिए अभी सुधर जाएंगे तो आगे भी फायदा मिलेगा। और कोशिश करेगी हर रोज 10 से 15 मिनट धूप में रहें, जिससे आपके शरीर को विटामिन डी मिलेगा जो बहुत अच्छा रहेगा ग्रोथ के लिए। तो यह जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, यह आप खाली 3 महीने फॉलो करके देखें, वादा है मेरा आपसे आप खुद हैरान रह जाएंगे। और फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएगी आपको क्या क्या फर्क देखने को मिला। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर दें।